गुड मॉर्निंग ऑफ स्टूडेंट क्लास 7. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ हिस्ट्री. ओके, तो बेटा चैप्टर 5 आपका है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. रूलर और उनके बिल्डिंग के बारे में आप पढ़ोगे कि कौन रूलर बिल्डिंग कौन सा बनवाया है और वो बिल्डिंग बनवाने के पीछे उनका मकसद क्या होता था या बिल्डिंग वो क्यों बनवाते थे. तो हमारा टॉपिक है पहले इंट्रोडक्शन. आप देखो मैंने यहाँ पे इमेज बनाया हुआ है बेटा, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स. अब देखो रूलर्स क्या करते थे, बिल्डिंग बनवाते थे. किस लिए? हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस. अपने हिस्ट्री यानी अपने महत्व को बताने के लिए कि हिस्ट्री में जब वो बिल्डिंग बनाते थे बेटा तो उस बिल्डिंग में क्या होता था कि नाम जुड़ जाता था कि इस रूलर्स ने ये बिल्डिंग बनवाया है. तो हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस यानी हिस्ट्री का जो महत्व है बेटा वह उसी की वजह से है. और हिस्ट्री के बारे में हम देखो और भी बिल्डिंग्स की वजह से क्या महत्व है, रूलर्स क्यों बिल्डिंग पे जोर देते थे या क्यों बिल्डिंग बनाते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अब बेटा देखो हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस. आर्किटेक्चुरल डेवलपमेंट. आर्किटेक्चुरल डेवलपमेंट का मतलब बेटा कि जो बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, फॉर एग्जांपल आपके बुक में दिया है कुतुब मीनार. आप देख लो कुतुब मीनार जो बनाया गया है बेटा वैसे बिल्डिंग आज इतने रिसोर्सेज होते हुए भी बनाना पॉसिबल नहीं है. लेकिन उस समय जब रूलर्स बनवाए थे यानी कुतुबद्दीन ऐबक ने जब बनवाया था तो उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने आज हैं. लेकिन फिर भी ऐसा बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है. इसीलिए उस समय के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी बेटा कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो गिर गए हैं, खराब हो गए हैं. लेकिन आज भी कुछ बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो कि अपने आप को शो करते हैं, दिखाते हैं, अपने महत्व को बताते हैं. तो इस चैप्टर में बेटा वही हम पढ़ने वाले हैं. आगे देखो, बिटवीन द 8th and 18th century किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. बेटा जो रूलर्स होते थे और उनके जो ऑफिसर्स होते थे 8th and 18th century के बीच में वो टू टाइप्स के स्ट्रक्चर बनवाते थे यानी टू टाइप्स के बिल्डिंग बनवाते थे. पहला था प्राइवेट बिल्डिंग्स और दूसरा था बिल्डिंग्स फॉर पब्लिक एक्टिविटी. अब बेटा प्राइवेट बिल्डिंग्स में क्या आता था, देखो यहाँ पे मैंने एरो बना के दिखाया है, फोर्ट्स, पैलेस, गार्डन, ETC. बेटा यानी सीधा आप कह सकते हो रूलर और ऑफिसर अपने रहने के लिए जो फोर्ट्स बनवाते थे, पैलेस बनवाते थे, गार्डन बनवाते थे या आलिशान महल बनवाते थे वो सब प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंतर्गत आता था. सेकेंड है बिल्डिंग्स फॉर पब्लिक एक्टिविटी. और दूसरा जो बनवाते थे वो जैसे टेंपल है, मस्जिद है, वेल्स है और भी धर्मशालाएं हैं, मतलब बहुत चीज़ वो बनवाते थे. तो वो क्या करते थे, पब्लिक एक्टिविटी के लिए बनवाते थे यानी पब्लिक के लिए बनवाते थे. क्योंकि आप रूलर्स हो, आप खुद एग्जांपल लो, आप रूलर्स हो, अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोचोगे तो आपसे प्रजा क्या होगी, नाराज़ होगी. तो उस समय जो रूलर्स थे अपने फोर्ट्स को, पैलेस को, गार्डन को बनवाने के साथ साथ जो रूलर्स या ऑफिसर्स थे वो टेम्पल, मस्जिद, वेल्स ये सब भी बनवाते थे, जिससे क्या होता था कि जनता उससे खुश रहती थी और उन्हें रूल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी. क्लियर बेटा? अब ये देखो बेटा मैंने आपके बुक से स्कैन किया हुआ है, ये जो इमेज आप देख रहे हो वह किसका है, कुतुब मीनार का है. किसके द्वारा बनवाया गया, कुतुब ऐबक. नॉर्मली कहा जाता है कि कुतुब ऐबक द्वारा बनवाया गया, लेकिन बेटा नहीं, इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है वह सिर्फ कुतुबद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था. उसके बाद जो ऊपर के फोर्थ फ्लोर है यानी ये 5 floor high बिल्डिंग्स है, तो जो फोर्थ फ्लोर है वह कुतुबद्दीन ऐबक का सन ऑफ ला यानी दामाद जो था वह बनवाया था. देखो यहाँ साइड में दिया भी हुआ है, द कुतुब मीनार इज 5 story high, द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकोनी. फर्स्ट बालकोनी में बेटा आप देख सकते हो बहुत से इंस्क्रिप्शन यानी बहुत सी लिखावट है. अब सोचो कि उस समय कोई रिसोर्सेस नहीं थे फिर भी इतना ऊपर चढ़ के एकदम देखो सर्कल है, कर्व है, रेक्टेंगल है, यानी सब पे वह लिखा हुआ है. तो उसी को कह रहा है कि इंस्क्रिप्शन फ्लोर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट बाय इल्तुस मिस अराउंड 1229. बाकी जो इसका काम बचा था वह इल्तुतमिस के द्वारा बनवाया गया था. तो बेटा सेकेंड चैप्टर में मैंने कुतुबद्दीन ऐबक और इल्तुतमिस के बारे में बताया था. तो इल्तुतमिस क्या था, कुतुबद्दीन ऐबक का दामाद था यानी सन इनला था, बेटी का पति था. तो जो कुतुबद्दीन ऐबक फर्स्ट फ्लोर बनवाया उसके बाद ऊपर का जो भी फ्लोर बनवाया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो कौन बनवाया, इल्तुतमिस ने बनवाया. कब बनवाया, 1229 में. अब बेटा देखो कारीगरी क्या होता था, बिल्डिंग सिग्निफिकेंस क्यों है, उस समय के जो बिल्डिंग्स बनते थे उसका महत्व क्यों है. बेटा आप देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, तो वो जो लिखावट है सोचो उस समय रिसोर्सेस नहीं थे तब भी इतना बेहतरीन लिखावट और इतने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग, सोचो कैसे फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे जो स्टोन है, रॉक्स है वो जाता होगा और उस पर कैसे ऊपर चढ़ के लोग उसको सेट करते होंगे, बिल्डिंग को बनाते होंगे. तो बेटा इसमें यही, तो ये क्या कुतुबद्दीन ऐबक ने
कुतुब मीनार बनवाया, बाकी का काम इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। तो इस बिल्डिंग से उनके बारे में हमें पता चलता है कि नहीं, उस समय जो टेक्नोलॉजी थी या जो उस समय जो वो यूज करके बनाते थे वो काफ़ी बेहतरीन था आज की तुलना। बेटा आज हम चाह के भी सारे रिसोर्सेस होते हुए भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बनवा सकते। क्लियर बेटा? फिर बेटा देखो दिया है कि ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड बाई लाइटिंग एंड अर्थक्वेक्स एंड रिपेयर्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। तो बेटा कोई भी बिल्डिंग है तो आप देखते हो अर्थक्वेक आया, लाइटिंग बिजली चमकी, तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। जब नुकसान हुआ तो जो यहाँ पे रूलर्स दिए हैं उन्होंने उसको क्या किया, रिपेयर कराया। यानी बनवाया किसने, फर्स्ट फ्लोर कुतुबद्दीन ऐबक ने बनवाया, उसके बाद फोर्थ फ्लोर जो है उसके दामाद इल्तुतमिश ने बनवाया, उसके बाद जो नए रूलर आए जब ये डैमेज होने लगा लाइटिंग से अर्थक्वेक से तो वो रिपेयर करवाए। तो बेटा इस प्रकार ये आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन था, ठीक, यानी सॉरी चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा। तो बेटा ये जो है कुतुबद्दीन ऐबक फर्स्ट पेज पे ही है, आप इसको क्लियरली पढ़ लोगे। मैंने आपको बता दिया कि बिल्डिंग और उसके सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में क्यों होते हैं, इसलिए कि वह हमें संदेश देता है कि उस समय रिसोर्सेज होते हुए भी नहीं कितने अच्छे अच्छे काबिल लोग थे, अच्छे लोग थे, मिस्त्री थे, लेबर थे, जो ऐसे बिल्डिंग बनाते थे। धन्यवाद।